Hello students, how are you all? This is Amar Kumar welcoming you all in my YouTube channel Study Point Ask Me. As you can see, today I have taken a topic trigonometric formula. Today we all are going to deal with some trigonometric formulas as you can see in chapter of trigonometric identities or trigonometric ratios in class 10. So let's start students. First of all, I will draw a right angle triangle. As you can see here, A, B, C. You know what I have drawn? I have drawn a right angle triangle. So as you can see in this picture, triangle ABC is a right triangle. राइट ट्राइंगल यहां आप देखोगे इस पिक्चर में ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी. आप देखोगे एंगल ए बी सी यानी कि ये एंगल जो है वो आपको कितना का मिलेगा 90 डिग्री. हेयर यू कैन सी ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो अब आप लोग बताओगे स्टूडेंट्स ए बी इज इक्वल टू वाट, बी सी इज इक्वल टू वाट एंड ए सी इज इक्वल टू वाट. बाई अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो इस पिक्चर में हम देखेंगे ए बी विच इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसको हम लोग हिंदी में लंब भी कहते हैं. ठीक है, बी सी, बी सी जो आप देख रहे हो जिस पर ए बी परपेंडिकुलर बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड बेस. इसे क्या बोलेंगे? बेस. और इसे हिंदी में कहा जाता है आधार. और रह गई बात ए सी, ए सी इज कॉल्ड हाइपोटेनस. इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ण. वो महाभारत वाला कर्ण नहीं, महाभारत में जो आप लोग अर्जुन और कर्ण के युद्ध के बारे में आप पढ़े होगे, जाने होगे, वो कर्ण की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सो आपने देखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमने एंगल ए बी सी 90 डिग्री लिया और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या देखा, ए बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, बी सी इज इक्वल टू बेस एंड ए सी इज इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस. सो नाउ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करते हैं तो व्हाट यू विल गेट, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यानी कि एच स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि बेस स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर. तो यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल में हमने देखा कि ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, बी सी हो गया बेस, ए सी हो गए हमारे हाइपोटेनस. और जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं. तो एच स्क्वायर यानी कि हो गया क्या, ए सी का स्क्वायर और पी स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर. अब इससे हमें मिलेगा क्या, इससे हमें क्या बेनिफिट है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक्स का क्या यूज़ है, ये आप लोग यहाँ पर देखो. सम वैल्यूज़ है जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज में यूज़ करने होते हैं, जैसे साइन थीटा. एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ मैंने क्या रखा है, थीटा. थीटा यानी कि जो एंगल हम लोग ले रहे हैं, सपोज डेट यहाँ इस पिक्चर में हमने लिया है ना, किसको, एंगल ए सी बी को हमने थीटा माना है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो थीटा हमारा जहाँ होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ चेंजेस भी होंगे,
वो क्या किस तरह के चेंजेस होंगे ये मैं आपको बताऊंगा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच, पी यानी कि परपेंडिकुलर और एच मतलब हो गया हाइपोटेनस यानी कि लंब बाई कर्ण। सेकेंड हम लोग यूज करते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होते हैं बी बाई एच, बी यानी कि बेस और एच हो गया हमारा हाइपोटेनस, तो बेस यानी आधार बाई कर्ण, आधार बटा कर्ण। नेक्स्ट टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू होते हैं पी बाई बी, है ना, पी क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, बी हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि लंब बटा आधार। अब आप देखेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई बी। कॉट थीटा जो है ना स्टूडेंट्स वो बिल्कुल टैन के उल्टा होता है ना, या कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के है ना क्या होते हैं उल्टे, है ना, अपोजिट होता है। टैन थीटा इज इक्वल टू हमने लिया पी बाई बी, तो कॉट थीटा हो जाएगा बी बाई पी यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू यानी हाइपोटेनस बाई बेस। और लास्ट में आता है कोसेक थीटा, एच बाई पी यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। यहाँ आप देख रहे होगे जिस तरह से टैन थीटा कॉट थीटा ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, उसी तरह आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कोस थीटा जो है वो सेक थीटा, कॉस थीटा में हमने देखा बी बाई एच, सेक थीटा ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा एच बाई बी, और आपको यहाँ साइन थीटा और कोसेक थीटा में आपको अपोजिट मिलेगा वैल्यू। साइन थीटा इज इक्वल टू होते हैं पी बाई एच, और कोसेक थीटा में हो जाएगा आपको एच बाई पी। यहाँ तक आई होप आप लोग यहाँ तक आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या इसके चैप्टर्स को बनाने में हम लोग उन फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, है ना, दीज आर कॉल्ड द बेसिक फार्मूलाज, ये सभी जो है वो क्या कहलाते हैं बेसिक फार्मूलाज। अब मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फॉर्मूला, रेसिप्रोकल फॉर्मूला में देखिएगा मैं आपको बताता हूं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होते हैं वन बाय साइन, है ना, कोसेक थीटा जो है वो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक थीटा जो है वो वन बाई कॉस हो जाते हैं, और कॉट थीटा आप देखोगे तो वो कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, कोसेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा वन बाई साइन, सेक का हो जाएगा वन बाई कोस, और कॉट का हो जाएगा कोस बाई साइन। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये टैन, टैन थीटा इज इक्वल टू होते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा, है ना, तो टैन थीटा होता है साइन बाई कोस थीटा, टैन का ठीक अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा यानी कि कॉस बाई साइन। नाउ स्टूडेंट्स आई विल गिव यू सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अब मैं आप लोगों को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताऊंगा। इसमें मैं एक फॉर्मूला दूंगा तो एक फॉर्मूला से कई और दूसरे फॉर्मूलाज को आप जनरेट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं नंबर वन, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन, ये आपको याद करना होगा स्टूडेंट कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वन। अब ये कैसे होता है ये देखो आप, है ना, मैंने क्या लिखा साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है वन बाई साइन, वन बाय साइन, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा कटेगा तो कितना वैल्यू आएगा वन ऑब्वियसली। अब देखो ये तो हुआ कि ये वन वैल्यू हमारा आया कैसे, अब इससे हम कुछ और भी फॉर्मूलाज बना सकते हैं, जैसे कि
साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई साइन थीटा, है ना मजेदार स्टूडेंट्स। मैंने बताओ एक फॉर्मूला दिया हमने साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन, अब उससे देखिए दो फॉर्मूलाज आपको सामने निकल के चले आए। तो इसी तरह से मैं अभी और आप लोगों को फॉर्मूलाज दे रहा हूँ, जो आप अगर इसको थ्रूली रीड करोगे, इसको पढ़ोगे, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ही बेनिफिट होगा। सेकेंड वन इज कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन। ये सब जो मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखने होंगे। आप ये एक याद रखिएगा, दोबारा आप खुद निकाल लीजिएगा। ये डॉट मतलब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में समझ सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, वन बाई सेक थीटा। इधर जो मल्टीप्लाई में है, अगर मल्टीप्लीकेशन को हम इक्वल टू के अपोजिट साइड में ले जाएंगे ना, तो वो डिवाइड में चला जाता है। तो इस तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएंगे वन बाई कॉस थीटा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने एक फॉर्मूला से दो फॉर्मूलाज को जनरेट कर लिया। नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे, थर्ड वन इज टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन। यहाँ आप देख सकते हो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होते हैं, वन। कैसे होता है ये भी मैं आपको निकाल के बताता हूँ। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो वैल्यू कितना आया, वन ही आया ना। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, अरे सॉरी वन कैसे लिया है। देखिए यहाँ पर अब इससे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन, अब इससे हम लोग फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे। ये देखो जादू, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया वन बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू हो गए वन बाई टेन थीटा। वेरी इजी, एक फॉर्मूला हमने याद रखा, उससे दो और फॉर्मूला हमने जनरेट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। फोर्थ वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू वन। अब देखिए यहां से कैसे बनेगा, तो यहां से हम और फॉर्मूलाज जनरेट कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो आप देख रहे हो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम दूसरे साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस उधर जा करके क्या हो जाएगा, माइनस। एक फॉर्मूला मिला। अब देखो इसी से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो अब साइन स्क्वायर थीटा को बोला, कॉस स्क्वायर बोला भाई मैं अकेले जाऊंगा, तुम भी जाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा को भी उधर कर दिया हमने। तो अब यहां से क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, दोनों एक एक बार आना जाना हो गया, मैं भी खुश तुम भी खुश। तो यहां से आप देखें कि एक फॉर्मूला से दो और फॉर्मूलाज हम लोगों ने जनरेट कर लिया। नाउ फिफ्थ वन इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अब इससे हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अब ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर लेकर के चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कितना ईजी है। फिर इसी से हम लोग टेन स्क्वायर थीटा भी लिख लेंगे। अब जैसे टेन स्क्वायर थीटा को तो हमने उधर ले गया, अब वो बोला ना भाई अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, तो क्या किया जाए, तो हमने बोला वन को कि भैया आप ही आ जाओ, वो तो मान नहीं रहा है, तो हमने वन को इधर ले आया। तो वन को जब इधर लाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, है ना। ये वन इधर आ जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये कितना इजी है, कितना आराम से आप लोग इन फॉर्मूलाज को खुद, एक याद रखिए दो जनरेट हो जाएगा, यहाँ एक याद था अगला दो जनरेट हो गया। आप लोग देखेंगे सिक्स्थ वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन।
नाउ द सिक्स्थ वन इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब देखो यहाँ से हम कैसे बनाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग ले जाएंगे अपोजिट साइड में, तो ये हो जाएंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें कॉट स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू चाहिए तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको यहाँ रहने देते हैं, क्या करते हैं वन को इस तरफ ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो इस एक फॉर्मूला से हमने दो फॉर्मूला और जनरेट कर लिए। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे सेवंथ वन, हमने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने क्या पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर यहाँ साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये स्क्वायर को हम लोग अपोजिट साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से जब स्क्वायर हटा करके हम अपोजिट साइड ले जाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। इसी पे बेस्ड हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब जैसा हमने इसमें किया उसी प्रकार हम लोग इधर भी करेंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। यहाँ जिस तरह से हमने यहाँ क्या किया स्क्वायर हटा करके उधर ले गए, उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ कॉस थीटा यहाँ से स्क्वायर हटा करके हमने अपोजिट साइड ले गया, वो क्या हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। नाउ द नेक्स्ट वन इज नाइन्थ वन इज टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो अब यहाँ से स्क्वायर लेकर के हम लोग उधर रूट में दे देंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अंडर रूट। तो यहाँ एक आपको वैल्यू मिल जाएगा, एक और फॉर्मूला आपको जनरेट हो जाएगा, टेन थीटा अगर निकालना हो तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अंडर रूट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ से सेक थीटा का मान निकालना हो तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। इतना ईजी है, हम कुछ कर रहे हैं कुछ भी बाहर से आ रहा है कुछ भी नहीं, जो है सो हमारा हम यहीं पर है और यहीं से हम लोग बस लेफ्ट राइट करके फॉर्मूलाज को जनरेट कर रहे हैं, ईजी है, बस आपको कॉन्सनट्रेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको ध्यान लगाना होगा कि क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है उससे हम क्या जनरेट कर सकते हैं और उसका उपयोग हम अपने सॉल्यूशंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब यहाँ से हम लोग कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट, तो यहाँ से हमें मिल जाएंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो ये सारे कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज थे स्टूडेंट्स जिसको आप आसानी से लर्न कर सकते हैं, और इस चैप्टर को जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इस चैप्टर्स को आपको बनाने में इन सभी फॉर्मूलाज से काफ़ी मदद मिलेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको अभी तक मैंने जितने भी फॉर्मूलाज बताएँ है ना वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और साथ ही साथ उन फॉर्मूलाज को अब आप इसको देखने के बाद मेरे आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी फॉर्मूलाज को लेकर के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन आई होप नहीं रहेगा, और आप आसानी से बेहतर तरीके से अपने क्वेश्चंस को जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10 के क्वेश्चंस हैं उसको ईजिली बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यहाँ कुछ एंगल्स को लेकर के भी पढ़ना होता है ना, 0 डिग्री 30 डिग्री है ना 45 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लास 10 में अभी आप लोगों को इन सभी डिग्रीज से है ना साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा इन सभी अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग डिग्रीज पर कुछ वैल्यूज जो है वो आपको दिए गए हैं, फॉर्मूलाज पुट किया हुआ है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ
यहाँ आप देख सकते हो इस फॉर्मूलाज में सारे वैल्यूज़ जो है ना, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, उसी तरह आप देखोगे कॉस है ना, फिर टैन, फिर शेक, कॉसेक, कोट का, इन सभी का जो है वो सारे डिग्रीज के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ दिए हुए हैं, जो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में है ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। आप जब देखोगे यहाँ पर, आप जैसे कि इस चार्ट में देख रहे हो, जब आप साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री आप जब इसके वैल्यूज़ देख रहे होंगे है ना, यहाँ पर जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हो स्टूडेंट्स, जब आप साइन से कॉस में बनाते हैं, जब कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, तो यहाँ आप नोटिस कीजिएगा स्टूडेंट है ना, साइन का जो वैल्यू है ठीक यहाँ रिवर्स हो गया कॉस में। ठीक है, अब देखो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है डेट इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, सॉरी कॉस 0 डिग्री, तो यहाँ जब साइन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो ठीक इसको आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो, इससे आपको क्या मिल जाएगा कॉस का। और टेन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन बाय कॉस, तो अगर आपको साइन, आपको सिर्फ साइन का डिग्री याद करना है स्टूडेंट, साइन का डिग्री याद हो गया तो आपको कॉस का भी डिग्री याद हो गया, और कॉस का डिग्री याद हो गया, साइन का डिग्री याद हो गया, तो आप इजीली है कि टेन का डिग्री सारा निकल लोगे, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस करके आप जितने भी टेन का वैल्यूज़ है वो आप लोग निकल सकते हो। यहाँ से फिर आपको ईजी ये है कि अगर आपको साइन का सारा वैल्यू याद है तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए कोसेक में, कोसेक इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin, तो वो आपका निकल जाएगा। उसी तरह आपको निकल जाएगा कॉस का याद है तो शेक निकल जाएगा, और टेन का उल्टा क्या हो जाता है कॉट, तो इस तरह से आप सारे वैल्यूज को आसानी से इजीली रीड कर सकते हैं। यहाँ देख रहे होंगे आप चार्ट में कुछ ऐसे भी वैल्यूज हैं है ना जो आइडेंटिफाइड नहीं है, जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग भी नहीं करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मोस्टली क्या होता है कि आपको साइन, कॉस और टेन, मुख्यतः इन्हीं तीनों की अभी आपको आवश्यकता है, तो आप साइन, कॉस और टेन पे अपना कमांड पूरा कंट्रोल एकदम अच्छी तरीके से बना लीजिए। अगर आपने साइन, कॉस और टेन पे अपना कमांड बेहतर बना लिया तो कोई डाउट नहीं है कि आप इस चैप्टर्स को एकदम ईजिली, मानो जैसे कि खेल खेल में चुटकी बजाते हुए आप इस चैप्टर्स को सॉल्व कर लोगे, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होगी, कोई आपको अदर हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। बस आपको करना ये है कि जो भी फॉर्मूलाज मैं यहाँ आज आप लोगों को बताया हूँ, मेरे पूरे वीडियोज़ को प्रॉपरली वॉच कीजिए, और मैं कहूँगा कि इस वीडियो को प्रॉपरली वॉच करने के बाद आप क्या करेंगे, इन सभी फॉर्मूलाज को आप कॉपी पर लिखिए है ना, कॉपी पर एक बार, दो बार, तीन बार लिखिए, कॉपी पे लिखिए, या चार्ट पेपर है तो चार्ट पेपर पे लिखिए, ये जो डिग्रीज़ का वैल्यूज़ है इनको वहाँ पर लिखिए, और उसको सामने जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो सामने रख करके उसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिए। आई एम टेलिंग स्टूडेंट, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, बहुत बहुत मदद करेगा आपको है ना, और बोर्ड एग्जाम्स में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको, ये मैं एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल लाइक माय दिस वीडियो, एंड आई ऑल्सो अपील यू टू शेयर माय वीडियोस टू द अदर स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम हेयर। So this is all for today, students. Thanks and thank you very much.